इंदौर में डिजियाना परिवार द्वारा आयोजित भव्य गणेशोत्सव में महाआरती की गई। इस भव्य आरती में कैबिनेट मंत्री और बड़ी संख्या में शहर के प्रबुद्ध जन शामिल हुए। आपको बता दें, डिजियाना समूह के CMD सुखदेव सिंह गुम्मन ने पूरे परिवार के साथ महाआरती की। डिजियाना परिवार के इस गणेश उत्सव के मौके पर मुंबई के कलाकारों ने भी हिस्सा लिया। हप्पू के उल्टन पलटन सीरियल के कलाकार हप्पू सिंह यानी योगेंद्र त्रिपाठी के साथ ही कमलेश यानी कि कामना पाठक ने महाआरती में शिरकत की और यहां पहुंचकर कलाकारों ने दर्शकों को जमकर हंसाया। डिजियाना परिवार के इस महाउत्सव में हर दिन सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। भगवान गणेश की महाआरती में शहर के प्रबुद्ध जन भी शामिल हुए। कार्यक्रम और गणेश जी के मूर्ति स्थापना का सुंदर कार्यक्रम बन पड़ा है और इसमें शहर के मुअज्जिज अधिकारी पत्रकार सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और ये इस आयोजन में मुझे आकर बड़ी प्रसन्नता हुई और आज बाबा के चरणों में मैंने जो है वो प्रणाम किया, बाबा के चरणों में मैंने आशीर्वाद लिया, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। डिजियाना परिवार द्वारा भगवान गणेश उत्सव का जो आयोजन किया जा रहा है, ये अपने आप में आम जनता को धर्म से जोड़ना और धर्म की प्रेरणा देना वाला आयोजन है। मैं इस डिजियाना परिवार के इस आयोजन की बहुत प्रशंसा करता हूँ। संत समाज और ब्राह्मण समाज की ओर से डिजियाना परिवार को बहुत बहुत आशीर्वाद। भगवान डिजियाना परिवार को इसी प्रकार से धर्म के कार्य में जोड़ के रखे। पंडित प्रथम पूज्य श्री गणेश जी घर घर विराजमान है और इस शुभ अवसर पर डिजियाना परिवार ने श्री गजानन जी की जो स्थापना यहाँ की है, निश्चित रूप से मैं भगवान श्री गणेश जी से प्रार्थना करता हूँ कि डिजियाना परिवार में सुख शांति समृद्धि दे और जिस प्रकार से डिजियाना परिवार पूरे समाज को दिशा देने का काम करता है, उनको इसी प्रकार से समाज में वो नई दिशा देने का और उसका काम करें और जो इस कार्यक्रम के माध्यम से पूरे समाज को एक साथ एक स्थान पर बिठाकर संगठित करने का जो उन्होंने कार्य किया, इसके लिए उनको बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। इतना अच्छा मौका चल रहा है, मैंने तो पहली बार आया हूँ यहाँ, मतलब आनंद से आ गया। आरती का माहौल बहुत बढ़िया था तो एक बोले अच्छे मौके पे चलते हैं। तो गणेश जी, वैसे मैं इसके पहले भी जब हमारा शो लॉन्च हो रहा था तब भी आना हुआ था और इंदौर जब जब आते हैं, मैं वैसे भी मेरे सारे दोस्त यहाँ काफ़ी, तो आना जाना होता रहता है, लेकिन इस गणपति के उत्सव में पहली बार आया तो इसकी एक अलग ही बात है। तो प्रमोशन का ये सोचा गया कि चलो गणपति के टाइम करेंगे तो लोगों से ज़्यादा रूबरू होने का मौका मिलेगा और घर घर लोग और अच्छा मतलब एंटी भी देखें, चैनल को ज़्यादा देखें, क्योंकि यहाँ पता चला है रीच के हिसाब से 39 का जो पैक है उनको कई लोगों को पता भी नहीं है। तो बस गणपति जी का उत्सव था तो उसके माध्यम से आए हैं तो और ज़्यादा अच्छा है। हम भी चाहते हैं कि बप्पा ऐसी सब पे कृपा बनाए रखें और ऐसे ही सब खुश खुश रहें और अच्छे से रहें। जी बिल्कुल, हर जगह का अपना एक माहौल होता है, इंदौर का अपना एक माहौल है, इंदौर मेरा घर है तो और भी खुशी दुगनी हो गई जब ये सुनने में आया कि भाई इंदौर जाना है तो अपने घर से मुलाकात हुई घर वालों से, और खुशी दुगनी हो गई। देखिए हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि डिजियाना परिवार के इस
बहुत ही गणेश उत्सव के पवित्र पल पे उपस्थित हुए हैं। हम डिजियाना परिवार को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि भगवान रिद्धि सिद्धि के दाता गणेश जी का बहुत अच्छा पूजन श्रद्धा भाव से कर रहे हैं और हम यहां पर आ जाकर के हमें भी पुण्य लाभ लेने का अवसर मिला। तो इंदौर में डिजियाना परिवार द्वारा आयोजित भव्य गणेशोत्सव में महाआरती का आयोजन किया गया और इस भव्य आरती में कैबिनेट मंत्री और बड़ी संख्या में शहर के प्रबुद्ध जन भी शामिल हुए।